तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सामान हो या सम्मान। जय हिंद। आज नाव एवं धारा बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्लास है मैथ में। यदि कहे धारा की दिशा में या अनुकूल तो भीड़ी कहेंगे। यदि कहे धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल कहे तो भी अप कहेंगे। यदि कहे नाव की चाल या गति या कहे शांत जल में तैराक की चाल बराबर भी कहेंगे। या कहे धारा की चाल तो क्या कहेंगे, भी एस कहेंगे। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, भी डी बराबर क्या होगा, भी बी प्लस भी एस। यदि कहे धारा के विपरीत दिशा में तो भी अप बराबर क्या होगा, भी बी माइनस भी एस। मान लीजिए भी बी या प्लस भी एस बराबर क्या है, भी डी है। भी बी माइनस भी एस बराबर क्या है, भी अप है, भी अप। दोनों को जोड़ेंगे टू भी बी प्लस भी एस माइनस भी एस कट जाएगा बराबर भी डी प्लस भी अप। भी बी बराबर क्या होगा, भी डी प्लस भी अप बटा में टू। ये वही फार्मूला हुआ। इसी तरह एक और फार्मूला बनेगा, भी बी प्लस भी एस बराबर क्या है, भी डी है। भी बी माइनस भी एस बराबर क्या है, भी अप है। अब घटाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा, यह माइनस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा। घटाव के यही रूल है, ठीक है। प्लस भी पी या माइनस भी पी कट जाएगा, और प्लस टू वी एस बराबर भी डी या माइनस भी एफ। वी एस बराबर क्या होगा, भी डी या माइनस भी एफ बटा में टू। यही फार्मूला हुआ। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये ना हो, या चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। यदि किलोमीटर पर घंटा हो, मीटर पर सेकेंड में ले जाना हो तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकेंड हो, किलोमीटर पर घंटा में ले जाना हो, मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। वी बी है ना, वी एस से बड़ा होगा, ठीक है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि वी डी बराबर क्या है, 10 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विरुद्ध यानी कि धारा के विपरीत भी अप बराबर क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा। धारा के वेग यानी कि वी एस बराबर क्या होगा, तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि वी बी बराबर क्या होगा, वी एस बराबर क्या होगा, वी एस वी डी माइनस वी अप बटा में टू। ये ना है, वी एस बराबर वी डी माइनस वी अप बटा टू। वी डी क्या है, 10 किलोमीटर, माइनस वी अप 6/2, 10 में से 6 घटाएंगे 4/2, यानी कि 2×2=4, 2 किलोमीटर पर घंटा। वी बी बराबर क्या होगा, वी बी बराबर वी डी प्लस वी अप बटा में टू। वी डी क्या है, 10 प्लस 6/2, 16/2, यानी कि 8×16, 8 किलोमीटर पर घंटा। वी एस कितना होगा, 2 किलोमीटर पर घंटा, अभी भी 8 किलोमीटर पर घंटा।
आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर धारा के विपरीत भी यप की दूरी कितना है? 24 किलोमीटर धारा की दिशा में वी डी की दूरी कितना है? 36 किलोमीटर। हर बार 6 घंटा समय लेता है, वी यप का समय कितना है? 6 घंटा, वी डी का समय 6 घंटा है, तो वी यप की चाल कितना होगा? वी यप की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 24 बटा में समय, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, ये ना होगा, दूरी 24 है वी यप का, समय 6 है, 6 चौका 24 किलोमीटर पर घंटा। उसी तरह वी डी की चाल क्या होगा? वी डी की चाल दूरी कितना है? 36 है, समय कितना है? 6 है, यानी कि 6 है 36 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल क्या है? वी एस बराबर क्या होगा? वी डी माइनस वी एफ बटा में 2। वी डी कितना है? 6 है, माइनस वी एफ कितना है? 4 है बटा में 2, 6 में से 4 गया, 2 बटा 2 बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में वी डी का दूरी क्या है? 16 किलोमीटर। 2 घंटा में समय क्या है? समय 2 घंटा में, तो वी डी की चाल क्या होगा? दूरी बटा समय, 16 बटा में 2, 8 दूनी 16, 8 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा में वी एफ, वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगा था, वही दूरी यानी कि 16 किलोमीटर 4 घंटा लगता है, यानी कि वी एफ का समय कितना है? 4 घंटा। तो वी एफ का चाल बराबर क्या होगा? 16 बटा 4 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल क्या है? वी एस, वी एस बराबर क्या होगा? वी डी माइनस वी एफ बटा में 2, ये ना होगा। वी डी कितना है? वी डी की चाल 8 किलोमीटर माइनस वी एफ की चाल कितना है? 4 किलोमीटर पर घंटा बटा में 2, 8 में से 4 गया, 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 किलोमीटर पर घंटा आंसर। चौथा प्रश्न, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में वी डी बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल वी एस बराबर 2.5 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत यानी कि वी एफ बराबर क्या होगा? वी एस बराबर वी डी माइनस वी एफ बटा में 2, वी एस कितना है? 2.5 किलोमीटर पर घंटा, वी डी क्या है? 15 माइनस वी एफ फाइंड करना है बटा में 2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 15 में 100 गुना करेंगे, 15 माइनस वी एफ में 100 गुना करेंगे, वी एफ बराबर 2.5 में 2 से गुना करेंगे 5 होगा ना, 15 बराबर ओ पार है, ए पार आएगा तो माइनस 5 बराबर वी एफ बराबर क्या होगा? 15 में से 5 घटाएंगे 10 किलोमीटर पर घंटा आंसर। पांचवा क्वेश्चन, अर्जुन धारा की दिशा में वी डी 40 किलोमीटर तैरने के लिए, वी डी का दूरी कितना है? 40 किलोमीटर, 5 घंटे लगते हैं, समय कितना है? 5 घंटा। तो वी डी की चाल बराबर क्या होगा? 40 दूरी बटा समय, ये ना होगा, 8 पंच 40, 8 किलोमीटर पर घंटा, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय। जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में यानी कि वी एफ 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटा लगता है, वी एफ की दूरी कितना है? 24 किलोमीटर है,
भी अप का समय कितना है? 2 घंटा है। भी अप की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय, 12 दूनी 24, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो स्थिर जल में तैरने की गति क्या है? भी बी बराबर क्या है? भी बी का सूत्र क्या होता है? वी डी प्लस भी अप बटा में 2। वी डी क्या है? 8 प्लस भी अप की चाल कितना है? 12 बटा में 2, 12 को 8 को 20 को बटा में 2, 10 दूनी 20, 10 किलोमीटर पर घंटा आंसर। छठा प्रश्न, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। भी बी बराबर क्या है? 20 किलोमीटर पर घंटा। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में भी अप की दूरी क्या है? 20 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। समय भी अप का समय क्या है? 4 घंटा। भी अप का चाल दूरी कितना है? 20, समय 4 है, 5 का 20 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि वी एस बराबर क्या होगा? यहाँ क्या है? भी अप। तो भी अप का सूत्र क्या होगा? भी अप का भी बी माइनस वी एस। भी अप का चाल क्या है? 5 किलोमीटर बराबर भी बी कितना है? 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर। वी एस फाइंड करना है, बराबर ए पार माइनस वी एस है तो इस पार आएगा तो वी एस प्लस में होगा, बराबर 20 माइनस 5। वी एस बराबर 20 में से 5 घटाएंगे, 15 किलोमीटर पर घंटा आंसर। 7वां क्वेश्चन, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में यानी कि वी बराबर 12 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में वी अप की दूरी कितना है? 38 किलोमीटर है। 4 घंटे में तय करती है। वी अप का समय कितना है? 4 घंटा है। तो वी अप का चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, 38/4 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की चाल किलोमीटर में क्या होगी? धारा की चाल यानी कि वी एस बराबर क्या होगा? वी अप बराबर क्या होगा? वी बी माइनस वी एस। वी अप कितना है? 38/4 बराबर वी बी कितना है? 12 किलोमीटर पर घंटा माइनस वी एस फाइंड करना है, बराबर ए पर आएगा तो प्लस वी एस होगा, बराबर 12 और माइनस में 38/4। वी एस बराबर एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, 12 चौका 48 माइनस 38। वी एस बराबर घटाएंगे 10/4, वी एस बराबर 5 दूनी 10 2 दूनी 4 यानी कि 5/2 बराबर 2.5 किलोमीटर पर घंटा आंसर। 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में धारा की दिशा में वी डी का समय 2 घंटा 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। वी डी का दूरी कितना है? 16 किलोमीटर। तो वी डी का चाल कितना होगा? दूरी बटा में समय, 8 किलोमीटर पर घंटा। ये ना होगा, यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा यानी कि वी अप बराबर समान समय में यानी कि 2 घंटा में आधी दूरी यानी कि वी अप का दूरी कितना है? आधी दूरी, पहले 16 था अब 8 किलोमीटर। वी अप का चाल क्या होगा? दूरी बटा समय, 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा। क्या बोला है? तो धारा की गति क्या होगा? वी एस बराबर क्या होगा? वी एस बराबर क्या होगा? वी डी माइनस वी अप बटा में 2।
वी एस बराबर वी डी कितना है, वी डी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा माइनस वी एफ कितना है 4 है बटा में 2। वी एस बराबर 8 में से 4 घटाएंगे 4 बटा में 2 2 दूनी 4 किलोमीटर पर घंटा आंसर। 9वां क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल वी बी बराबर 13 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की चाल वी एस बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत यानी कि वी एफ का दूरी कितना है 68 किलोमीटर। 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव की कितना समय लगेगा, वी एफ का समय फाइंड करना है, समय क्या होगा। मान लेते हैं समय एक्स होगा, तो वी एफ की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय, समय मान लेते हैं एक्स है, वी एफ बराबर क्या होगा वी बी माइनस वी एस होगा ना, तो वी एफ कितना है 68 बटा में x बराबर वी पी 13 और माइनस वी एस कितना है 4 है। 68 बटा में x बराबर 13 में से 4 घटाएंगे 9, तिरछा तिरछा गुना करेंगे 9x बराबर 68, x बराबर 68 बटा में 9 भाग करेंगे 68 में 9 से 9 से 63 5, तो पूर्णांक में कैसे लिखेंगे 7 बटा में 9 और ऊपर 5 लिखेंगे 9 से 63 5 को 68 68 बटा 9 यानी कि 7 घंटा मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना करेंगे 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9 होगा ना 20 में 6 बटा में 3 मिनट यानी कि 7 घंटा लगभग 33 मिनट आंसर। समय में 3 से भाग करेंगे लगभग 33 होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, एक नाव धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी, धारा के दिशा में वी डी की दूरी क्या है, मान लेते हैं एक्स है किलोमीटर, 4 घंटे में तय करती है वी डी, वी डी का समय क्या है 4 घंटा, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में एक बार धारा की दिशा में गया फिर वापस आएगा यानी कि धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगा, यही ना बोला है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटा लगता है यानी कि वी एफ का समय कितना है 6 घंटा है। वही दूरी है यानी कि वी एफ का दूरी कितना है एक से है, तो क्या बोला है, धारा की चाल वी एस अनुपात शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है यानी कि वी बी का अनुपात क्या है। वी डी का चाल क्या होगा, दूरी क्या है एक्स है, समय क्या है 4 घंटा है किलोमीटर पर घंटा, वी एफ का चाल क्या होगा दूरी बटा में समय किलोमीटर पर घंटा, ये ना होगा। वी एस का फॉर्मूला क्या होगा, वी एस का फॉर्मूला देख लीजिए, वी डी माइनस वी एफ बटा में 2, वी डी माइनस वी एफ बटा में 2 अनुपात वी बी का वी डी या प्लस वी एफ बटा में 2 अनुपात में ना नीचा सेम होगा ना तो कट जाएगा आपस में, दू से दू काट देंगे, वी डी माइनस वी एफ अनुपात वी डी और प्लस वी एफ, ये ना है वी डी क्या है एक्स बटा में 4 माइनस वी एफ कितना है एक्स बटा में 6 अनुपात, वी डी क्या है एक्स बटा 4 और प्लस वी एफ कितना है एक्स बटा में 6। एलसीएम लेंगे 12 4 3 12 3 ऊपर गुना करेंगे 3x माइनस 6 दिनी 12 2x 12 4 3 यानी कि 3x और 6 दिनी 12 यानी कि 2x 3x में 2x घटाएंगे x बटा में 12 अनुपात 5x बटा में 12 12 से 12 काटेंगे एक से एक्स काटेंगे यानी बचा कुछ नहीं तो 1 अनुपात 5 आंसर है।